हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नई कहानी, एक नई मोटिवेशन स्टोरी लेकर आई हूँ। चलो तो सुनते हैं हम नई मोटिवेशन स्टोरी, अवसर की पहचान। एक बार एक ग्राहक चित्रों की दुकान पर गया। उससे ने वहाँ पर अजीब से चित्र देखे। पहले चित्र में चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था और पैरों पर पंख थे। एक दूसरे चित्र में सिर पीछे से गंजा था। ग्राहक ने पूछा, यह चित्र किसका है? दुकानदार ने कहा, अवसर का। ग्राहक ने पूछा, इसका चेहरा बालों से ढका क्यों है? दुकानदार ने कहे, क्योंकि अक्सर जब अवसर आता है तो मनुष्य उसे पहचानता नहीं है। ग्राहक ने पूछा, और इसके पैरों में पंख क्यों है? दुकानदार ने कहा, वह इसलिए कि तुरंत वापस भाग जाता है। यदि इसका उपयोग न हो तो यह तुरंत उड़ जाता है। ग्राहक ने पूछा, और यह दूसरे चित्र में पीछे से गंजा सिर किसका है? दुकानदार ने कहा, यह भी अवसर का है। यदि अवसर को सामने से ही बालों से पकड़ लेंगे तो वह आपका है। अगर आपने उसे थोड़ी देरी से पकड़ने की कोशिश की तो फिर पीछे का गंजा सिर हाथ आएगा और फिसल कर निकल जाएगा। वह ग्राहक इन चित्रों का रहस्य जानकर हैरान था। अब वह बात समझ चुका था। दोस्तों, समझ में आए कहानी का अर्थ? नहीं ना, तो सुनिए। आपने कई बार दूसरों को यह कहते सुना होगा या खुद भी कहा होगा कि हमें अवसर ही नहीं मिला। लेकिन यह अपनी जिम्मेदारी से भागने और अपनी गलती को छुपाने का बस एक बहाना है। रियल में भगवान ने हमें ढेरों अवसरों के बीच जन्म दिया। अवसर हमेशा हमारे सामने से आते जाते रहते, पर हम उसे पहचान ही नहीं पाते, पहचानने में देर कर देते हैं। और कई बार हम सिर्फ इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि हम बड़े अवसर के ताक में रहते हैं। पर अवसर बड़ा या छोटा नहीं होता, हमें हर अवसर का भरपूर उपयोग करना चाहिए। ओके, अवसर की पहचान, ऐसे हमने ये कहानी पढ़ी।